जय जिनेन्द्र वंदी तु सबसे धुव ममल वो गोमी समय पाहुड़ मृण मो सुद केवली भणिदम पंच परमेश्ठी भगवान की जय हो ज्ञानशाला में हम सभी समय सार जी महान ग्रंथाधिराज का स्वाध्याय कर रहे हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज के द्वारा रचित यह अध्यात्म शास्त्र हम पढ़ रहे हैं अब तक हमने बंधाधिकार समझ लिया आज की इस कक्षा से हम मोक्षाधिकार प्रारंभ करेंगे हम सभी जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं उसका कारण है कर्मों का बंध बंधाधिकार में हमने अच्छी तरह से इस बात को समझा था किस प्रकार जीव कर्मों के बंधन के कारण से संसार में भटकता है और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता मोक्षाधिकार का प्रारंभ भी इसी बात से आचार्य भगवान कर रहे हैं कि जीव को मोक्ष कब होता है इस अधिकार में हम समझेंगे मोक्ष किसे कहते हैं मोक्ष किन जीवों को प्राप्त होता है क्या करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है हम सभी का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए इन सब बातों का वर्णन इस अधिकार में हम समझेंगे तो आइए प्रारंभ करते हैं मोक्षाधिकार गाथा क्रमांक तीन सौ आठ जम को, को बंधन यम ही चिरकालीबद्ध दिव मंद सहाव मंदम काल कालम च वियान दे तस् तस। बोलिए जहनाम कॉव विपुरीशो बधन यम हि चि काल बद्धो मंद सहावम कालम च वियान दे तस्स जहणाम को बंधन यम काल पड़ी बद्धो तेव मंद सहाव कालम चियाण दे तस् आइए गाथा का अर्थ देखते हैं जहणाम को जह मतलब जैसे जिस प्रकार नाम मतलब नाम वाला को भी मतलब कोई भी पुरुषों मतलब पुरुष आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज का यहाँ पर मोक्षाधिकार प्रारंभ हो रहा है और मोक्ष को समझाने के लिए वो एक उदाहरण के माध्यम से दृष्टांत के माध्यम से हमें बता रहे हैं जैसे कोई नाम वाला पुरुष यम ही अर्थात बंधन में चिरकाल परिबद्धो चिरकाल बहुत लंबे समय तक बहुत दीर्घ काल तक परिबद्धो अर्थात प्रतिबद्ध है बंधा हुआ है जैसे कोई नाम वाला पुरुष अर्थात कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक उस बंधन में किसी पाश में अथवा किसी जाल में अथवा किसी बंधन में वो बंधा हुआ है तिवम मंद सहावम तिवम अर्थात तीव्र मंद अर्थात मंद सहावम अर्थात स्वभाव को तीव्र स्वभाव को और मंद स्वभाव को वह जो बंधन में बंधा हुआ है उस बंधन की तीव्र स्वभाव को अर्थात बहुत अधिक जकड़ा हुआ है अथवा बहुत ढीला जकड़ा हुआ है बंधन में बंधा हुआ है उस स्वभाव को कालम च और काल को भी काल मतलब समय को भी समय से तात्पर्य वह कितने समय तक रहेगा दो महीने तक जेल में रहेगा अथवा छः महीने तक रहेगा अथवा वह जिस स्थान पर बांधा हुआ है जिसको बांधा है वो कितने समय तक रहेगा वह उस काल को भी च मतलब और वियाण दे अर्थात जानता है तस् अर्थात तो उसके उसके किसके कर्म के बंध के यहाँ तो पहले तो उदाहरण दे रहे हैं इसलिए यहाँ कर्म नहीं लगाना है यहाँ तो सामान्य बंधन की बात चल रही है उदाहरण को एक बार फिर से देखें जह नाम को भी पुरुषो जह अर्थात जिस प्रकार कोई नाम वाला पुरुष आचार्य भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है वे उदाहरण के माध्यम से हमें समझाते हैं पहले दृष्टांत देते हैं फिर दृष्टांत समझाते हैं तो दृष्टांत में यहाँ कह रहे हैं जैसे कोई नाम वाला पुरुष बंधन यम्य अर्थात बंधन में चिरकाल बद्दो बहुत लंबे समय तक बंधा हुआ है अथवा बहुत लंबे समय से बंधा हुआ है बहुत लंबे समय से वह उस बंधन में बंधा हुआ है और बंधन के तिव्यम मंद सहावम अंत में दिया हुआ है तस्य तस्य मतलब उसके उस बंधन के तिव्यम मंद सहावम तीव्र अथवा मंद अर्थात कमजोर सहावम अर्थात स्वभाव को कालम च और उस बंधन के काल को भी वियानदे जानता है क्योंकि आज की इस कक्षा में हम तीन गाथाएं पढ़ेंगे जो एक साथ दी हुई हैं जिसमें प्रारंभ की दो गाथाओं में दृष्टांत उदाहरण है और फिर तीसरी गाथा में आचार्य भगवान दृष्टांत अर्थात सिद्धांत समझाएंगे इसलिए अभी ये बात पूरी नहीं हुई है अगली गाथा में ये बात पूरी होगी अभी इस गाथा में हमें क्या समझना है जैसे कोई नाम वाला पुरुष बहुत लंबे समय से किसी बंधन में बंधा हुआ है वो उस बंधन के तीव्र और मंद स्वभाव को भी जानता है और उसके समय को भी जानता है और आगे की गाथा में हम 309 नंबर की गाथा में इस बात को पूरा करेंगे आइए इस गाथा का हम भावार्थ समझते हैं जैसे बंधन में बहुत समय से बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को और उसके काल को जानता है आगे अगली गाथा में इस बात को पूरा करेंगे देखें गाथा क्रमांक 309। सौ नौ तीन सौ नौ नंबर की गाथा से पहले 308 सौ आठ नंबर की गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं मैं पाश से कस कसा कर के कसाहू बंधानुभूति करता चिर से लसा हूँ। यो बंदे बंदे फले गीते गाता कोई मनो पुरुष है तुम को दिखाता इस पद्यानुवाद में आचार्य श्री इस गाथा का भावार्थ बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि जैसे पाश पाश का मतलब बंधन बंधन में कोई कस कस के बहुत अच्छी तरह से कसा हुआ है मतलब बंधा हुआ है बंध की अनुभूति भी बहुत लंबे समय से कर रहा है इस प्रकार वह जीव बंध और बंध के फल दोनों से बंधा हुआ होकर के गीत गाता रहता है मानो मनो अर्थात मानो कोई पुरुष इस प्रकार से बंधन को जानता है अर्थात सिर्फ पहचानता है और आगे क्या कह रहे हैं देखें गाथा क्रमांक तीन सौ नौ में

बोलिए सा यदि को वदि छेदम णमुञ्चदितेन कं बन्धेण कालेण दुबहुघेणवि ण सोणरोपावधि वि मोक्षं यदि णवि को वदि छेदं णमुञ्चदितेन कम बन्धेण नसोनरो गाथा का अर्थ देखें नवि कुवदि छेदम जदि अर्थात यदि वह जीव नवि मतलब नहीं करता है कुवदि मतलब करता है छेदम अर्थात छेदन को ऋण मुंचदी तेण कम बंधेण मुंचदी नहीं छूटता है ण मतलब उस कम बंधेण कर्मों के बंधन से पिछली गाथा में हमने क्या समझा था जैसे कोई नाम वाला पुरुष है बहुत लंबे समय तक वह बंधन से बंधा हुआ है वह उस बंधन की तीव्र और मंद भाव को स्वभाव को भी जानता है काल को भी जानता है परंतु अब वहाँ तक बात हो गई थी अब उसके आगे यहाँ कह रहे हैं परंतु यदि वह जीव नवीकुवधि छेदम उस बंधन का छेद नहीं करता है तेन कम बंधेने, तो फिर वह कर्मों के बंध से नहीं छूट सकता क्या मतलब? सिर्फ जानने मात्र से कुछ नहीं होगा जानने के साथ में तद्रूप आचरण भी करना जरूरी है उसने उस कर्म बंध के स्वभाव को जान लिया जानने के पश्चात जब तक वो उस बंधन को नहीं तोड़ेगा उसको नष्ट नहीं करेगा समाप्त नहीं करेगा तब तक वह कर्म के बंद से नहीं छूट सकता कालेण दु बहु आगे कह रहे हैं आचार्य भगवान कालेण अर्थात काल में दु मतलब परंतु बहु अर्थात बहुत काल में बहुत समय होने पर भी कहने का तात्पर्य है यदि वो उस बंधन को नहीं काटता है तो बहुत समय होने पर भी न सो नरो पावद विमोखम न मतलब नहीं सो मतलब वह नरो मतलब मनुष्य वह पुरुष पावदी प्राप्त करता है विमोक्षम अर्थात मोक्ष को मतलब नहीं अर्थात बहुत समय हो जाने पर भी वह मनुष्य मोक्ष को अथवा उस बंधन से छुटकारे को प्राप्त नहीं कर पाता है उस बंधन से छुटकारे को प्राप्त कब हो पाएगा जब वो उस कर्म के बंध को छोड़ेगा उस कर्म के बंध को नष्ट करेगा क्या मतलब पिछली गाथा से इस गाथा को हमें जोड़ना है पिछली गाथा में हमने समझा था कि वह जो कोई नाम वाला पुरुष है उदाहरण के माध्यम से वह उस बंधन के स्वभाव को जानता है तीव्र स्वभाव को भी मंद स्वभाव को भी वो उसकी काल को भी जानता है कि इसका इतना समय है इतने समय तक मैं मुझे इसमें बंधे हुए रहना है लेकिन मात्र जानने से कुछ नहीं होगा उसी बात को आचार्य भगवान इस गाथा में कह रहे हैं यदि अर्थात यदि नवी कुदि छेदम वह छेदन नहीं करता है अर्थात उसको नष्ट नहीं करता है तेण कम बंधेण ऋण जब तक वो छेदन नहीं करता है तब तक वह कर्म के बंधन से नहीं छूटता है उसको नष्ट नहीं कर सकता उससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता कालेन दुबह गेणवी इस, इस अवस्था में रहने पर बहुत काल भले ही क्यों न बीत जाए बहुत समय क्यों न हो जाए सोर्णरो विमोक्षम न पावदी वह जो मनुष्य है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता अर्थात छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता जिस प्रकार जो बंधन से बंधा हुआ व्यक्ति है जब तक वो बंधन को दूर नहीं करेगा तब तक वो उस बंधन से नहीं छूट सकता उसी प्रकार जब तक यह जीव कर्म के बंधन को नहीं छोड़ता है उस रूप प्रयास नहीं करता है तब तक यह जीव भी कर्म के बंध से नहीं छूट सकता अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता उसी बात को अगली गाथा में द्राष्टांत के माध्यम से आचार्य भगवान समझाएंगे हम इस गाथा का भावार्थ देखते हैं यदि वह उस बंधन का छेद नहीं करता है तो वह उस बंधन से नहीं छूट सकता और बंधन के वश हुआ वह मनुष्य बहुत काल में भी छुटकारा नहीं पाता अर्थात यदि उसे छुटकारा प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से उसे बंधन के उस वश से छूटना पड़ेगा और उस कर्म के बंध को नष्ट करना पड़ेगा ताकि वो उस कर्म से छुटकारा प्राप्त कर सकें इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं पे बंध को यदि नहीं वह छोड़ता है हा जान बूझ कर भी नहीं तोड़ता है पाता न मुक्ति उस बंधन से कदापि दो सै दुख सहता चिरकाल पापी अर्थ बहुत सरल है आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में यहां कह दिया मतलब फिर भी यदि वह उस बंद को नहीं छोड़ता है जानबूझकर के करके भी उसमें पड़ा रहता है और उस कर्म बंद को नहीं तोड़ता है तो वह कभी भी उस बंद से कर्म बंध से मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता और संसार में रह करके चिरकाल लंबे समय तक पाप का ही आश्रय करता हुआ दुस्सह्य बड़े असहनीय बड़े कठिनता से सहन करने वाले दुखों को वो प्राप्त करता रहता है भैया जी आत्मा और कर्म का बंध किस प्रकार होता है बंध का हो या संबंध ये तीन प्रकार के कहे गए हैं आत्मा और कर्म के बंध को समझने से पहले हम तीन प्रकार के बंध को समझते हैं सबसे पहला है संयोग संबंध दूसरा है संश्लेष संबंध और तीसरा है तादात्म्य संबंध संयोग संबंध जैसे गाय और रस्सी का आपस में संबंध होता है गाय रस्सी से बंधी हुई है वह कहलाता है संयोग संबंध दूसरा है संश्लेष संबंध मिला जुला हुआ जहाँ पर एक क्षेत्रा रूप संबंध होता है जैसे दूध और पानी का आपस में मिला हुआ होना जिस स्थान पर दूध है उसी स्थान पर पानी भी है यह कहलाता है संश्लेष संबंध और तीसरा है तादात्म संबंध तादात्म्य संबंध गुण और गुणी का जो संबंध होता है वह कहलाता है तादात्म संबंध इन तीनों में से आपने प्रश्न किया आत्मा और कर्म का तो आत्मा और कर्म का जो बंध होता है वो होता है संश्लेष बंध संश्लेष संबंध एक क्षेत्रावगाह रूप जहाँ पर संबंध होता है जिस सुई की एक नोक पर यदि दूध है तो वहीं पर पानी भी है दोनों अलग अलग नहीं है उसी प्रकार आत्मा के जिस प्रदेश पर आत्म प्रदेश है उसी प्रदेश पर कर्म भी है ऐसा नहीं है आत्मा ऐसी है और ऊपर से आकर के कर्म चिपक जाए और वो बंद हो गया ऐसा नहीं होता है दोनों का एक क्षेत्र संश्लेष संबंध माना गया है भैया जी यदि हम कर्म बंध को गाय और रस्सी की तरह माने तो क्या आपत्ति है यदि गाय और रस्सी के समान आत्मा और कर्म का बंध मानेंगे तो घटित कैसे होगा सिद्ध कैसे होगा फिर तो दोनों का संबंध या दोनों का बंध संयोग संबंध हो गया जबकि दोनों का तो संश्लेष संबंध है आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है आठवें अध्याय में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने ही लिखा है एक क्षेत्रा वगाह संबंध है आत्मा का और कर्म का कुछ लोग जो एकांत पक्ष की मान्यता रखते हैं वो ऐसा ही मानते हैं कि गाय के ऊपर रस्सी जैसे बंधी हुई है वैसे ही हमारे आत्मा के ऊपर कर्म बंधे हुए हैं दोनों अलग अलग हैं लेकिन ऐसा नहीं है दोनों का एक ही क्षेत्र पर स्थान है मैंने अभी उदाहरण दिया सूई की एक नोक पर अगर जल की बूंद है तो उसी स्थान पर दूध की बूंद भी जहाँ दूध और पानी मिला हुआ है उस तरह की उदाहरण की हम बात करते हैं तो जिस बूंद पर सूई की एक नोक पर जो बूंद है उस पर दूध है तो उसी में पानी भी है अलग अलग नहीं है कि पहले दूध आ गया उसके ऊपर से पानी आ गया दोनों मिले जुले हुए हैं एक क्षेत्रा एक ही प्रदेश पर दोनों हैं हमें यही मानना पड़ेगा यदि हम गाय और रस्सी की तरह मानेंगे फिर तो आत्मा अलग कर्म अलग फिर तो हमारी आत्मा शुद्ध है वह जब शुद्ध है तो फिर हम शुद्ध बनाने का प्रयास क्यों करेंगे जबकि हमारी आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है उसी अशुद्ध को हमें शुद्ध बनाना है इसलिए इस संबंध को अच्छी तरह से हमें समझना है संयोग संबंध नहीं है संश्लेष संबंध है आइए अगली गाथा देखते हैं इयकं बन्धिणाणम् इयकं बन्धिणा पदेश पयडिट्ठिदीय अणुभागम् जानन्तो पयडिट्ठिदीयणुभागम् मुञ्चदि जदि विशुद्धो जदि विशुद्धो बोलिए बोलियेयकं बन्धणाणं पदेश दीय अणुभागं जानन्तो विण मुञ्चदि मुञ्चदि सौवे जदि विशुद्धो इयकं बन्धणाणम् पदेश पय डिठी दी अणु भागम जान तो विण मुंचली मुंचली सवे जद विशुद्धो पिछली दो गाथाओं में दृष्टांत के माध्यम से समझाया अब इस गाथा में दृष्टांत सिद्धांत बता रहे हैं अर्थ देखें इय कम बंधनाणम इय मतलब इसी प्रकार यह जो जीव है वह कम बंधनाणम कर्म के बंधनों को या कर्म के बंधनों के या बंध के पदेश पैडिठिदीय अणुभागम पदेश अर्थात प्रदेश पैडी अर्थात प्रकृति डिट्ठिदी ठिदी का अर्थ होता है स्थिति और अनुभागम अर्थात अनुभाग को इस प्रकार यह जीव कर्म बंध के प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को जानन तो वीण मुंचदी जानन तो भी जानता हुआ भी न मुंचदी नहीं छूटता है क्या मतलब पिछली जो दो गाथा हमने पढ़ी उनका संक्षिप्त भाव एक बार फिर से यहाँ हम स्मरण करते हैं जिस प्रकार कोई नाम वाला पुरुष है वह बंध में बंधा हुआ है बंधन में उसके मंद और तीव्र स्वभाव को भी जानता है समय को भी जानता है लेकिन मात्र जानने से वह उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता अपितु जब तक वह उससे छूटता नहीं है तब तक वह उस कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता तह अर्थात यह उसी प्रकार यह जीव कर्म के बंध के प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग जो चार प्रकार के बंध के भेद कहे गए हैं जानन तो वृण इनको वह जानता हुआ भी नहीं छूटता है क्यों नहीं छूटता है या कब छूटता है मुंचदी सवे यदि विशुद्धो मात्र जानने मात्र से वह कर्म के बंधन से नहीं छूट सकता मुंजदि छूट जाता है सवे मतलब सभी कर्मों से यदि मतलब यदि विशुद्धो वह विशुद्ध होता है लेकिन जब वह जीव विशुद्ध हो जाता है रागादि भावों से रहित हो जाता है तो वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है मात्र जानने मात्र से नहीं छूटता जब वह शुद्ध होता है वीतरागी होता है तब वह उन कर्मों के बंधन से छूट जाता है यह समझना चाहिए भावार्थ देखें इसी प्रकार जीव कर्म बंधनों के प्रदेश प्रकृति स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी कर्म बंध से नहीं छूटता है यदि वह राग आदि को दूर कर शुद्ध होता है तो संपूर्ण कर्मबंध से छूट जाता है भैया जी इन चारों बंधों का क्या स्वरूप है जो बंध है वो किन का होता है कर्मों का होता है कर्म होने के बाद उन्हें हम या यूँ कहें बंध होने के बाद हम उन्हें कर्म कहते हैं बंध होने के पहले वे कार्मण वर्गणाएँ हैं कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप में परिणत होने का नाम है बंध वह बंध चार प्रकार का होता है प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग पहला है प्रकृति बंध प्रकृति का मतलब स्वभाव जो कार्मण वर्गणाएँ आत्मा में आई हैं प्रवेश हुई है आत्मा से एकमेक हुई है उनका क्या स्वभाव है वो क्या काम करेंगी जो प्रकृतियाँ आई हैं जैसे ज्ञानावर्णी की प्रकृति है वो ज्ञान के ऊपर आवरण डालेगी मोहनी की है वो हमें रागद्वेश करवाएगी अंतराय है वो हमारे लिए विघ्न डालेगी इस तरह से जो है ये प्रकृति मतलब स्वभाव नेचर उसका नेचर क्या है वो कहलाता है प्रकृति बंध। दूसरा है प्रदेश बंध प्रदेश का मतलब क्वांटिटी जो कार्मण वर्गणाएँ आ रही है वो कितनी हैं वो कहलाता है प्रदेश बंध आत्मा के साथ में आ गई अभी कितने समय तक रहेगी जो टाइमिंग पीरियड कहलाता है वह है स्थिति बंद कितने समय तक हमारे आत्म प्रदेशों के साथ में इनकी स्थिति बनी रहेगी वो जो काल की मर्यादा है वह है कहलाता है स्थिति स्थितिबंध और अनुभाग बंद अनुभाग का मत होता है फल जो फल देने की शक्ति है वो तीव्र है मंद है मंदतर है अलग अपने परिणामों के अनुसार उन अनुभाग में और स्थिति में अंतर पड़ता है तो इस प्रकार ये चार प्रकार के बंध कहे गए हैं भैया जी क्या अन्य धर्म वाले कर्म के बंध को नहीं मानते अन्य धर्म में कर्मों को ही नहीं माना गया तो कर्म के बंध को कैसे मानेंगे उनके शास्त्रों को हमने देखा पढ़ा समझा किसी भी शास्त्र में अन्य धर्म के कहीं पर भी कार्मण वर्गनाएँ इस तरह से आती है आत्मा से चिपकती है और आत्मा इस प्रकार कर्म के बंध से युक्त तो होता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है ये प्रक्रिया उनके यहाँ लिखी ही नहीं है हमारे यहाँ जो द्रव्य कर्म नौ कर्म, कर्म बताए गए हैं ज्ञान वर्ण आदि जो आठ प्रकार के कर्म भेद किए गए हैं ये अन्य धर्मों में नहीं किए उनके वहाँ तो उनके वहाँ तो सिर्फ एक्शन सिर्फ क्रियाएँ क्रियाओं के अनुसार फल की प्राप्ति होती है बस इतना ही माना गया है वास्तविकता में देखा जाए तो ये कर्म सिद्धांत का जो बहुत बड़ा सिद्धांत है ये सिर्फ़ और सिर्फ जैन धर्म की देन है और इसी को समझ करके हम कर्म के बंध को समझें जानें और उससे छूटेंगे तो मोक्ष की बात कर पाएंगे तो कर्म बंध को जानने से क्या होगा उसको जानने के पश्चात उससे छूटने की ओर हम प्रयास करेंगे और शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करेंगे जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी भैया जी विशुद्धता से यहाँ क्या तात्पर्य है विशुद्धता से तात्पर्य है राग आदि मिथ्यात्व आदि से रहित होना जब तक राग द्वेष आदि से नहीं छूटेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए आचार्य भगवान ने इन तीन गाथाओं में क्या समझाया है जानने मात्र से कुछ नहीं होगा कि मैं कर्म से बंधा हुआ हूँ वह बंध की अनुभूति भी कर रहा है अनुभव भी कर रहा है लेकिन जब तक वो राग द्वेष से रहित नहीं होगा वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं होगा वीतराग चारित्र को प्राप्त नहीं करेगा स्वसंवेदन को प्राप्त नहीं होगा शुद्धोपयोग रूप धारण नहीं होगा मुनि अवस्था को धारण नहीं करेगा तब तक इस जीव को कर्म के बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती इसलिए हम सभी को विशुद्ध होने का प्रयास करना है मुनि बनकर के शुद्धोपयोग में लीन हो करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है यही इन गाथाओं का हमें सार समझना है इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं क्यों कर्म कर्म स्थिति कर्म प्रदेश जाने ओ कर्म की प्रकृतियों अनुभाग माने छोड़े न बंद यदि जान सराग होते होते न मुनि मुक्त मुक्ते विराग होते स्पष्ट दो पंक्तियों में अंत में कह दिया आचार्य भगवान ने कि जब तक मुनि बनकर के विराग राग से रहित नहीं होते हैं तब तक मुक्त न होते मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते इसलिए मात्र रागी होकर जानना नहीं है बल्कि जान करके राग द्वेष को छोड़ करके वीतरागी बन करके और फिर उस कर्म के बंधन से हम छूट सकते हैं जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं मानक चंद कमला देवी राकेश कुमार नीतू ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ बी वन सिटी कॉलोनी जयपुर प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर सुनील रेनू कासलीवाल नई दिल्ली श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर वन वर्धमान पश्चिम बंगाल अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्य तिथि श्रीमती शोभा जैन डॉक्टर पीयूष जैन डॉक्टर अंजलि जैन डॉक्टर शक्ति जैन संयम जैन कुमारी दिया जैन श्री दिगम्बर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद